दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बांसुरी स्वराज, सांसद नई दिल्ली। तो मैम, पानी की कमी है और पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं आ रहा, हिमाचल की तरफ से पानी नहीं आ रहा। अपने निकम्मेपन पर, अपने निष्कर्म पर आवरण डालने के लिए झूठा बहाना है। सर्वोच्च न्यायालय में आप देखेंगे, उनके समक्ष केजरीवाल सरकार ने याचिका दायर करी थी, वहां पर यह बात स्पष्ट हो गई। हिमाचल ने बोल दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ बोल रही है, उनके पास कोई सरप्लस पानी नहीं है। हरियाणा जो अग्रीमेंट है 720 यूनिट का, उससे कहीं ज्यादा 1050 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है, यानी पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। पर आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रोसेसिंग पावर पानी की केवल 990 एमजीडी है। तो मैं पूछना चाहती हूं माननीय मंत्री आतिशी जी से, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए आपसे पूछा था कि आपकी सरकार इलीगल टैंकर माफिया के ऑपरेशन को रोकने के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं। आपकी सरकार वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं। और जब आपकी प्रोसेसिंग पावर केवल 990 यूनिट है और हरियाणा पानी पर्याप्त पानी छोड़ रहा है, तो ज्यादा पानी आप किसके लिए मांग रही हैं? इलीगल टैंकर माफिया के लिए? इसी भी देखा गया कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जो है पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर बोलती हैं कि पाइप्स को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, पानी चोरी करने की कोशिश की जाएगी, कहीं ना कहीं ओपोजिशन करेगा हमें बदनाम करने। सरासर झूठ बोल रहे हैं। आईएमडी ने मार्च के महीने में ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि दिल्ली में भीषण गर्मी आने वाली है। इन्होंने ना तो सर्वदलीय बैठक बुलाई, ना मास्टर एक्शन प्लान बनाया, ना दिल्ली जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयर करी। आप देख रहे होंगे दिल्ली जल बोर्ड की पाइपें चरमरा रही है। एक दशक से केजरीवाल सरकार दिल्ली में राज भोग रही है, सत्ता भोग रही है, लेकिन काम नहीं कर रही, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। आतिशी जी से निवेदन करूंगी, प्रेस वार्ताओं से ब्रेक लेकर जरा ग्राउंड पर आकर देखिए इंदिरा कैंप में क्या दयनीय हालत हो रखी। इसी बीच राजनीतिक तौर पर एक रोचक चीज देखी गई कि जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस उनके साथ थी, वही कांग्रेस पानी को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। ये गठबंधन कभी भी टिकने वाला नहीं था, क्योंकि ये स्वार्थ की धुरी पे टिका हुआ गठबंधन था। ये इसीलिए चरमराकर भुरभुराकर बिखरने वाला ही था और अब ये बिखर रहा है। पानी का मुद्दा तो कांग्रेस ने केवल बहाना बनाया है। उन आप भी जानते कि आने वाले विधानसभा के चुनाव है और उनको केवल ये प्रदर्शन सत्ता की लालसा में कर रहे हैं। तो आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एंड्रूसगंज इंदिरा कैंप के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पानी की किल्लत है। उसी पानी की किल्लत को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। सड़कें हों, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर हों, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बांसुरी स्वराज यहां एंड्रूसगंज इंदिरा कैंप आई थी, लोगों से बातचीत की। पानी के मुद्दे को लेकर देखा जा रहा है जो राजनीति है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, मौसम के साथ साथ सरगर्म हो रही है। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।